अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को प्लेडो बनाना सिखाऊंगी। जो मदर्स हैं स्पेशली छोटे बच्चों की, उनको अंदाज़ा ही होगा कि प्लेडो बच्चों को कितना पसंद होता है। बाज़ार से जो भी प्लेडो लेते हैं वो एक्सपेंसिव भी होता है और उसमें केमिकल्स भी होते हैं। बच्चे जो है कई दफ़ा प्लेडो मुँह में डाल लेते हैं या प्लेडो के साथ खेल के तो उसी हाथों से कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देते हैं। इससे बच्चों का पेट खराब हो जाता है। मेरे अपने दो बच्चे हैं, माशाल्लाह दोनों बहुत ही शौक से प्लेडो से खेलते हैं। पहले मुझे भी बहुत परेशानी होती थी कि प्लेडो के साथ खेलते हैं तो कभी आंखों में उंगलियां मारते हैं, कभी मुंह में उंगलियां डालते हैं। फिर मैंने सोचा कि घर में बना के देखना चाहिए प्लेडो। तो यकीन जाने जब मैंने ये प्लेडो बनाया इस रेसिपी से, शुरू में कुछ ट्राई करते करते कई दफ़ा ख़राब भी हुआ, कई दफ़ा नहीं सही बना, लेकिन ये जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ इससे इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्लेडो बनेगा। बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छा बनेगा, साफ़ सुथरा भी होगा, केमिकल से पाक होगा और बहुत जल्दी 2 मिनट के अंदर ये बन जाता है। आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चे घर में होते हैं, भाई बहन आप लोगों को पता है जो छोटे हैं आपस में लड़ते हैं, शोर मचाते हैं, रोते हैं, आप लोग फटाफट ये 2 मिनट में प्लेडो बना के दें। बच्चे बहुत शौक से खेलते हैं इसके साथ। चलें अब प्लेडो बना के मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। उससे पहले मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। ये 2 कप मैदा है, 2 कप मैदे का काफ़ी ज़्यादा प्लेडो बन जाता है। अगर 2-3 बच्चे हैं उनके लिए 1 कप का प्लेडो काफ़ी है। ये 1 कप पानी है, ये जितना चाहिए होगा सिर्फ उतना यूज़ करेंगे। ये कलर हैं, ये आराम से अवेलेबल होता है हर स्टोर पर, ग्रीन, येलो और जर्द कलर है इसमें। ये रेड कलर है थोड़ा सा मेरे पास। ये बनाना का एसेंस है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बनाना का ही डालें, आपके पास वनीला है, लेमन है, कोई सा भी है, रोज़ वाटर भी आप डाल सकते हैं, कोई भी है, ना भी डालें कोई खुशबू तो भी काम चल जाता है। ये 5 चम्मच नमक है और ये 6 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल है। और ये कुछ शेप्स हैं, इससे मैं आप लोगों को एंड पे शेप बना के दिखाऊँगी। सबसे पहले मैदे के अंदर हम डालेंगे नमक, बनाना एसेंस और ऑयल। इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद पानी डालेंगे। ये मिक्स हो गया, अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। बस इसको तब तक गूंदेंगे और पानी इसमें तब तक डालेंगे जब तक कि ये साइड पे चिपकना ना छोड़ दे और हाथों पे भी चिपकना ना छोड़ दे। बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है। बिल्कुल ये मुलायम होना चाहिए। ये देखें अभी ये थोड़ा सा ही नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल मुलायम सा हो जाना चाहिए। ये देखें नीचे मैंने बिल्कुल भी खुश्का या ऑयल कुछ भी नहीं लगाया, फिर भी ये नीचे नहीं चिपक रहा। बस इसका मतलब ये रेडी है। और ये देखें ये कितना मुलायम सा हो गया है। अब इसमें हम जितने कलर्स बनाने उतने इसके बॉल्स बना लेंगे। इसमें 3 कलर हैं, ग्रीन, येलो और जर्दा रंग है और एक रेड कलर भी है मेरे पास, तो इसके मैं 4 बॉल्स बना लेती हूँ इक्वल। पानी जो है तकरीबन 3-4 कप यूज़ हुआ था, यानी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हुआ था। सबसे पहले रेड डाल लेते हैं। सिर्फ ये रेड कलर मेरे पास लिक्विड फॉर्म में था, बाकी जो है मेरे पास पाउडर फॉर्म में है। आप भी कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म वाला भी और लिक्विड भी। देखें बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा है और कितना नरम बना है प्लेडो। अब इसको खोल लेते हैं।
ग्रीन कलर यूज़ कर लेते हैं आप, थोड़ा सा डालना है बिल्कुल। और घर में प्लेटो बनाने का देखें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फूड कलर आप यूज़ कर रहे हैं, बाज़ार से जो लेके आते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो फूड कलर हैं या कौन से कलर हैं। थोड़ा सा पानी लगा लें। ये देखें ये कितना प्यारा ग्रीन कलर बना है। अब बारी है सरदा रंग की, ये तो हर किसी के घर में अवेलेबल होता ही है। अच्छा अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को लग रहा है कि ये थोड़ा सा चिपकना शुरू हो गया, अभी देखें अभी ये नहीं चिपक रहा, लेकिन अगर चिपकना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाए तो आप थोड़ी देर इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में या शॉपर में डाल के तो आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें तो सही हो जाएगा। बिल्कुल भी अगले दिन तक भी ये सही रहता है, दो दिन तकरीबन ये जो है ना, अगर आप इसको ढक के रखें, खेल के फ़ौरन से इसको ढक के रख दें या शॉपर में डाल के रख दें बंद करके। तो सरदा रंग है, थोड़ा सा पानी। ये देखें कितना प्यारा ब्राइट सा ऑरेंज कलर बना है। आप आ रही है येलो कलर की, ये देखें बिल्कुल भी स्टिक नहीं कर रहा, ये देखें येलो कलर, थोड़ा सा पानी। अगर इस टाइम प्लेटो थोड़ा सा पानी लगाने की वजह से चिपकना शुरू हो जाए कोई मसला नहीं, आप थोड़ा सा तेल यहाँ पे हाथों पे लगा के यूँ मल के तो फिर इसको मिक्स कर लें। ये देखें कितना प्यारा येलो कलर बना है। इसी मेरे पास ग्लिटर है, इसे भी डाल के देख लेते हैं। एक दफ़ा आपको प्लेटो बनाना आ जाए तो फिर आप जो मर्ज़ी इसमें डाल के देख लें। ग्लिटर भी बहुत से कलर की मिलती है, अगर ग्लिटर डालने तो और प्यारे बनते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं आप। ये देखें ग्लिटर वाली प्लेटो बन गई है, ये तो गर्ल्स को बहुत पसंद आएगी इस कलर की, और साथ ग्लिटर भी अगर हो तो। ये रोलर भी बच्चों का ही है, मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खेलते हैं प्लेटो के साथ। अब इसकी शेप बना लेते हैं, स्क्वायर है ये। ये देखें हार्ट, ये देखें प्लास्टिक की बच्चों के लिए ही नाइफ बनी हुई है, इससे बिल्कुल भी ये बिल्कुल भी शार्प नहीं होती, ये आराम से बच्चे इसके साथ भी खेलते हैं, यूँ कट लगाते रहते हैं। ये देखें ये देखें नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकी। आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई मसला हो बनाने में तो आप लोग कमेंट्स में लिखें, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। ये भी है, ये डिफरेंट शेप्स हैं इसमें, ये शेप बना लेते हैं। ये भी
मेरे बच्चों के ही, आज मैंने बच्चों की चीज़ें ले ली हैं। इसमें ये थोड़ा सा प्लेटो डाल के देखते हैं। इसके अंदर डालना है, ये देखें। ये देखें, बहुत ही प्यारे चार रंग के प्लेटो रेडी हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और बाकी मदर्स के साथ भी ये शेयर करें, ताकि वो भी अपने बच्चों को ये साफ़ सुथरे और केमिकल से पाक प्लेटो बना के दें। अगर प्लेटो बनाते हुए आप लोगों को कोई मसला पेश आता है, अगर प्लेटो बहुत स्टिकी बन रहा है या ड्राई हो रहा है बहुत जल्दी, आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ लें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। कोशिश करें कि जब बच्चे प्लेटो के साथ खेल लें तो इसको एयर टाइट कंटेनर में या किसी शॉपर में डाल के रखें, तो इंशाल्लाह ये काफ़ी टाइम चल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।